पंचायत के दलोग गांव की रहने वाली हूँ। मेरा जो ऑर्चर्ड है वो 8000 फीट की हाइट पे लोकेटेड है और अभी हम उसी ऑर्चर्ड में आए हैं। जो फार्मिंग है वैसे तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि पेरेंट्स कर रहे हैं, जो भी रहता है हमारे फार्मिंग में जो भी होता है, गांव की रहने वाले हैं। बट हमारा मेरा जो मैं बोल सकती हूँ कि एक्टिवली जो पार्टिसिपेट हम इस चीज़ में कर रहे हैं वो पिछले 2 साल से रहा है। मेरे घर में मोस्टली जो फार्मिंग है वो जो ऑर्चर्ड देखते हैं वो मेरे फादर इन लॉ है और मेरे हस्बैंड है देखते हैं। बट मुझे भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में इंटरेस्ट आ गया और पिछले 2 साल से मुझे भी लगता है कि मैं हर चीज़ में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करती हूँ। और जो हमें जो दिक्कत आती थी अपने ऑर्चर्ड में, जो 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो हम हर साल देखते थे, एक तो है जो ऑल्टरनेट बियरिंग की प्रॉब्लम है कि एक ऑन ईयर रहता था नेक्स्ट ईयर ऑफ आता था, या फिर 20-30% जो फसल है वो होती थी और बहुत ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट उसका पड़ता था। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ होती है, सिर्फ हमारे साथ ही नहीं। और जो फ्रूट क्वालिटी है जो हम बनाना चाहते हैं, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग से जो करते आ रहे थे, वो चीज़ नहीं मिल पाती थी। और अब तो जो मार्केट में जो डिमांड है, जो कंज्यूमर्स हैं उनकी आ गई है कि वो अच्छा फ्रूट ही देखते हैं, अच्छी जो पैसा इतना देना है तो अच्छा फ्रूट उनको चाहिए। और एक जो और चीज़ है वो है कि प्लांट है आप लगा रहे हैं, इस साल ग्रोथ अच्छी नहीं मिल रही है या फ्रूट बहुत लेट मिल रहा है, वो जो दिक्कत है वो ट्रेडिशनल फार्मिंग के साथ रहती थी। और पिछले 2 साल से हम जो यारा का है जो न्यूट्रिशन प्लान है वो फॉलो कर रहे हैं और उनका ही जो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं अपने बगीचों में, अपने ऑर्चर्ड में। तो काफ़ी हद तक जो हमारी प्रॉब्लम है, जो ये 2-3 पॉइंट्स है वो उससे हम निकल पाए हैं। ऑन ऑफ ईयर हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ऑल्टरनेट बियरिंग की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। पिछले 3-4 साल से हमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है और फ्रूट क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है कि जो फ्रूट शेप है वो इलोंगेटेड हो गया है और कलर काफ़ी अच्छा आ रहा है और जो एक फ्रेशनेस है फ्रूट की, जो क्रंचनेस है और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो गई है विद टाइम। और यारा के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे यारा स्टॉपिट है, सेनेफॉस है, यारा का जिंक है, बोरोन है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिसके हमें अच्छे रिजल्ट आए हैं। और ऐसा नहीं है कि हम ये चीज़ ऐसे ही बोल रहे हैं थ्योरेटिकली, ये यूज़ करके पूरे साल में हमने यूज़ किया है कि कौन सा प्रोडक्ट कब यूज़ करना है और उसके जो रिजल्ट्स हैं एंड ऑफ द ईयर आपको दिख रहे हैं अपने फ्रूट में और अपने प्लांट में कि वो कितना हेल्दी है और आपका जो फ्रूट है वो किस तरह की उसकी जो क्वालिटी है वो बनी है। अभी हमारे ऑर्चर्ड में ऑलमोस्ट 30% जो हार्वेस्टिंग हुई है और 70% अभी रह गया है और पोस्ट हार्वेस्ट जो प्लान है यारा का वो यारा मिला है और यारा लीवा जो नाइट्राबोर है बहुत अच्छे से उसमें जो न्यूट्रिशन एक जो परसेंटेज है वो उसमें रहा है, यारा मिला है एनपीके बहुत अच्छी एक क्वांटिटी में उसमें प्रेजेंट है। कितनी क्वांटिटी में प्लांट को वो चीज़ चाहिए, ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ नाइट्रोजन पे फोकस किया है जो मेनली हम करते हैं। पोस्ट हार्वेस्टिंग एक जो मुझे लगता है जो टेक्निक है वो कुछ साल से हम यूज़ कर रहे हैं और वैसे लोग क्या जनरली क्या करते थे कि पोस्ट हार्वेस्टिंग ठीक है या फसल निकाल दी हो गया ठीक है, बट ये चीज़ नहीं है। पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद अब जो प्लांट है उसको रिवाइव करना है, इतनी फसल के बाद उसको इतना फसल निकली है, इतनी तोड़फोड़ हुई है, तो उस रिवाइव करने के लिए उसको उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जिसकी ज़रूरत पड़ती है, वो मुझे लगता है यारा मिला और लीवा में बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। और यारा का जो बड बिल्डर है उसमें फॉस्फोरस है, जिंक है और बोरोन है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में। मुझे लगता है ये चीज़ें ऐसी हैं जो प्लांट को ज़रूरत होती है उस टाइम पे और ये नहीं है कि सिर्फ अभी प्लांट यूज़ करेगा, वो सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो नेक्स्ट सीज़न जो आपका शुरू होना है मार्च में जब जो स्टेजेस आनी है उसके लिए भी वो स्टोर करके रखेगा। बिकॉज इसके बाद क्या होना है, प्लांट को एक डॉर्मेंट स्टेज में जाना है, लीफ फॉल हो जाएगा, उसके पास कोई ऐसा जो फूड की जो फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगी प्लांट में। वो मुझे लगता है अभी जो प्लांट है जो भी आप उसको देते हो वो एक स्टोरेज फॉर्म में अपने पास रखता है और उसको वो नेक्स्ट ईयर यूज करता है जब तक कि उसके पास नेक्स्ट ईयर जो लीफ है वो नहीं आ जाते हैं। और इस टाइम पे अगर आप उसको वो चीज़ें दे देते हो तो बहुत अच्छी, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद हम स्प्रे करेंगे तो हमारे पास अच्छी एक फ्रूट क्वालिटी, अच्छा जो फ्लावरिंग है वो होगी, बट ऐसा नहीं है।
वो चीजें आज से शुरू हो जाएगी। जिस टाइम आप पोस्ट हार्वेस्टिंग, जो आपने हार्वेस्टिंग कर दी उसके बाद आप उसको क्या क्या देते हो, वो नेक्स्ट ईयर आपको स्टार्टिंग में दिख जाता है। तो ये सारी चीजें जो हमने यारा के प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद और उसका जो न्यूट्रिशन प्लान है इसको यूज करने के बाद हमने अपने ऑर्चर्ड में देखी है। मुझे लगता है कि सबको, आपको भी यूज करनी चाहिए, एक बार आपको ट्राई करना चाहिए, देखिए। और आप भी एट द एंड ऑफ द ईयर आप अपने फ्रूट में, आप अपने प्लांट में वो चीजें देख पाओगे। थैंक यू।